बिजनौर पति की हत्या करने वाली पत्नी गिरफ्तार। बिजनौर धामपुर थाना क्षेत्र में इरफान अहमद ने अपने भाई मुख्तार हसन के हत्या के मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं उसकी पत्नी है। पुलिस ने पति की हत्या करने के जुर्म में हत्या आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और आज जेल भेज रही है। पुलिस ने हत्या में प्लास्टिक की रस्सी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि फिरदौस नाम की महिला की शादी 2011 में मुख्तार नाम के युवक से हुई थी। मुख्तार शराब पीने का और नशे करने का आदी था। मृतक शराब पीने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुकर्म करने की नियत रखता था। आए दिन शराब के नशे में मृतक मुख्तार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट भी करता था, जिससे परेशान होकर पत्नी फिरदौस ने पहले तो मृतक को शराब पिलाई, इसके बाद खाने में नशे की गोली देकर उसे सुला दिया और घर में रखी रस्सी से युवक की गला घुटकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आज न्यूज चैनल के लिए बिजनौर से ब्यूरो चीफ राधा रानी की रिपोर्ट। बीस दिन पहले थाना धामपुर में मृतक मुख्तार अहमद के भाई ने मर्डर की एक मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस टीम ने छानबीन करके आज मृतक की पत्नी को अरेस्ट किया है। खुलासे में जानकारी हुई है कि मृतक मुख्तार अहमद अपनी बच्चियों को और पत्नी को परेशान करता था, उन पर बुरी नीयत रखे हुए था। इससे दुखी होकर पत्नी ने उसको नशीला पदार्थ खाने मिलाकर खिला दिया और एक शराब की बोतल पिला दी, और जब वो रात में बेहोश हो गया तो उसको उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसको मार दिया। महिला को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है।